चलिए दोस्तों, लेकर आप सबके लिए एक और जबरदस्त वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका फोन का जो स्टोरेज है अगर वो फुल हो जाता है तो उसके बाद आपको जो है क्या करना चाहिए। दोस्तों मैंने अपने जो है बहुत सारे दोस्तों को देखा है, उनका जो फोन उनका जो स्टोरेज जो है फुल हो जाता है, बट फिर भी वो जो है अपना फोन का जो ऐप है और जो फोटोज है वीडियोज है उन सबको डिलीट कर करके जो है फोन को यूज करते रहते हैं। तो दोस्तों ये जो है बिल्कुल ही गलत तरीका है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है किस तरीके से जो प्रॉब्लम है इसको एकदम अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो है सबसे मेन जो सोल्यूशन निकल गया था वो जो है अपने डिवाइस को फॉर्मेट कर देना। बट दोस्तों मैं और मेरे जैसे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो अपने डिवाइस जो इसको फॉर्मेट करने से डरते हैं, क्योंकि आप जो है अपने डिवाइस जैसे ही फॉर्मेट करते हैं तो पूरा जो यूज़र डेटा है वो जो है बिल्कुल नया हो जाता है और आपका जो पुराना फोटो वीडियो और बाकी कुछ जो डेटा रहता है वो सारे कुछ जो है फॉर्मेट हो जाता है। तो वही सारे कुछ जो कुछ जो है आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है किस तरीके से अपना डिवाइस जो है उसको फॉर्मेट कर सकते हैं करें ताकि आपका ये जो डेटा है ये सारे कुछ जो है बैकअप अच्छी तरीके से किया हुआ रहे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो आप में से बहुत सारे लोग तो करते हैं कि अपना फ़ोन को जो है पूरी तरीके से हार्ड रीसेट कर देते हैं, मगर दोस्तों मैं जो आपको उसका एक सही तरीका बताने वाला हूँ जिसमें से आपका जो डेटा है वो भी बैकअप रहेगा और आपको जो है कोई दूसरा प्रॉब्लम भी नहीं फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जो आपको अपने सिक्योरिटी ऐप में जाकर मेरा स्टोरेज दिखा देता हूँ कितना बचा हुआ है क्या है। आप देख सकते हैं दोस्तों 94 ऑफ द स्टोरेज स्पेस इज ऑक्यूपाइड, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं आपको इसमें क्लिक करके दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे कैच फाइल क्लियर और मेमोरी क्लियर कर दूंगा तो ये जो रिकॉर्डिंग है ये ऑफ हो जाएगा, इसलिए मैं जो इसको ऑफ कर देता हूँ। तो फिर मैं जो है यहाँ पे डीप क्लीन में जाता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फ़ोन का 64 GB स्टोरेज है और यहाँ पे अभी जो है 3.19 GB अवेलेबल है। तो ये सारे कुछ आपने देख लिया। तो यहाँ पे आपको जो है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है अपने व्हाट्सएप में चले जाना है। यहाँ पे जो है आपको 3 डॉट में क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे चैट्स में जाना है और चैट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो है चैट बैकअप में क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा जो चैट बैकअप है वो मंथली में सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मेरा गूगल ड्राइव है इसमें मैंने बैकअप कर लिया है 2:52 PM, मैंने बस अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने जो इसको बैकअप किया है। तो अगर आपको बैकअप करना है तो आप जो इस बैकअप में क्लिक कर दीजिए और अगर आपको गूगल अकाउंट चेंज करना है तो आप यहाँ पर जो है कोई भी एक गूगल अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो अपना व्हाट्सएप है उसको बैकअप कर लेना है। तो आपको जो है ऐप बैकअप भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप बैकअप का ऐप, आपको जो है ये वाला ऐप जो है इसको डाउनलोड कर लेना है, इजी एंड फास्ट। ओपन कर देते हैं, मैं अलाउ कर देना आपको। तो यहाँ पे आप जो है सारे के सारे जो इंस्टॉल्ड ऐप है ये सारे कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो हूँ काइनमास्टर को बैकअप कर देता हूँ, बैकअप इंस्टॉलेशन फाइल। तो आप देख सकते हैं ये जो है फिर आर्काइव में आ गया है। फिर आर्काइव में आने के बाद फिर आपको जो इसको सेंड कर देना है। तो मैं जो हूँ व्हाट्सएप से ये वाला जो ऐप है अपने आप को ही सेंड कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो है ये मैंने सेंड कर दिया है। आपको जो है ऐप है उसको भी सेंड कर देना है, जो भी आप ऐप चाहे जिसको बैकअप करना है। उसके बाद जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है फोटो को लेके, तो दोस्तों जितने भी सारे जो फोटोज़ हैं वो जो है आपको गूगल फोटोज़ में जो है बैकअप कर देने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जितना भी आईडी है ये सारे कुछ फुल हो गया है। ये यहाँ पे मेरे पास एक ये आईडी था ये भी फुल हो गया। उसके बाद ये जो मेरा सचिन कुमार वाला आईडी है ये भी फुल हो गया है। तो अभी मैं जो हूँ कोई दूसरा अकाउंट जो है उसमें ओपन करके ये सारे फोटोज जो है उसको बैकअप कर देता हूँ। तो बैकअप का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो है यहाँ पर जो है फोटो सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे जो है बैकअप में क्लिक करना है और यहाँ पे जो है क्वालिटी जो है इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और बाकी ये जो बैकअप है इसको जो है बस आपको टर्न ऑन कर देना है। तो इस तरीके से आपको जो है फ़ोटो भी बैकअप कर लेना है और बाकी अगर कोई जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है तो आप जो उसको फिर ड्राइव में जाके भी बैकअप कर सकते हैं। तो यहाँ जो है मेरा ये वाला जो गूगल ड्राइव है ये भी भरा हुआ है। तो यहाँ पे मैं जो हूँ कोई दूसरा एक आईडी यूज़ कर लेता हूँ, ये जैसे कि टेक बर्क वाला यूज़ कर लेता हूँ। फिर ऐड फाइल में क्लिक करूँगा, फिर अपलोड कर दूँगा। तो मान लीजिए जैसे कि ये जो फ़ोटो है इसको जो मैं ड्राइव में अपलोड कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप जो है अपने इंपॉर्टेंट फाइल जो है उसको ड्राइव में भी अपलोड कर सकते हैं। तो बस यही सारा कुछ जो प्रोसीजर है, तो ये सब कुछ जो है मैं अपना पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपको जो है डिवाइस हार्ड रीसेट भी करके दिखा देता हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको फॉर्मेट मारने के लिए आपको जो इसको सेटिंग्स ऐप में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सेटिंग्स ऐप ओपन कर लिया है। फिर यहाँ जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे रीसेट सर्च करना है। तो फिर आपको जो है फैक्ट्री रीसेट में क्लिक कर देना है। फैक्ट्री रीसेट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है इरेज ऑल डेटा में क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है यहाँ पे अपना पैटर्न डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको जो है बैकअप वैकअप जो आप पहले कर लिए वो सब यहाँ से आपको बैकअप करने का दरकार नहीं रहेगा। तो आप जो है बस फैक्ट्री रीसेट पर क्लिक कर दीजिए।
फिर आपको जो है अपना एमआई अकाउंट का पासवर्ड डालना है, तो ये जो है मैं डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने जो है अपना एमआई अकाउंट का पासवर्ड भी वो जो है डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं डिवाइस जो बिट्टा टर्न ऑफ हो रहा है। उसके बाद फिर आपको जो है नेक्स्ट में क्लिक कर देना है, 5 सेकेंड वेट करना है। और ये जो प्रोसेस है आपका जो फ़ोन है उसका जो पूरा डेटा उसको रिमूव कर देगा। फिर नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपको जो है ओके में क्लिक कर देना है। तो मेक श्योर कर लीजिए कि इससे पहले आप जो अपना जो जितना भी जो डेटा है वो सब कुछ जो है बैकअप कर ले। तो आप देख सकते हैं जो डिवाइस अभी टर्न ऑफ हो रहा है। तो इस तरीके से आप जो अपना डिवाइस है उसको जो है हार्ड रिसेट कर सकते हैं। तो गाइस देखिए अभी जो है मैंने जो है अपने फ़ोन को जो है फॉर्मेट मार दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है अभी सेटिंग में आ गया है। तो ऐसे ही करके मैं जो है इसका जो सारा प्रोसेस वो सब कुछ जो है कम्प्लीट करके अपना फ़ोन जो है उसको सेट कर लेता हूँ। तो अगर आपको ये जो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है ये जो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही।